संडे को सुबह सुबह नाश्ता करके घूमने का मजा ही कुछ और है छोटे। खाया पिया पचाएंगे बाबा। सुन छोटे, चल हम जरा मोटे से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ चल रे बॉब, चलते हैं बाबा। कहीं बॉब ना दिख जाए। ये क्या, बॉब को देख लिया हमने? हमें इधर आना ही नहीं चाहिए था। उस पर ध्यान मत देना, चुपचाप चलते रहो। क्या हाल है दोस्तों? अरे जाओ जाओ, बड़ा आया हाल पूछने वाला। देखा छोटे, ये दोनों मुझसे कैसे भागते फिरते हैं। मोटे इस समय अपने घर पर ही होगा छोटे, आज उसी के साथ खेलने चलेंगे। खुद से मछली पकड़ कर उसे पका कर खाने का मजा ही कुछ और है। मैं ढेर सारी मछलियाँ पकड़ूंगा और शाम को दावत उड़ाऊंगा। अरे ये क्या, मोंटी तो मछली पकड़ने जा रहा है, क्या हाल है? इतनी सुबह सुबह किधर चल दिए मोटे? मैं साथ खेलने आया था। मैं जरा फिशिंग करने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है जा। ये मोंटी फिशिंग करके ढेर सारी मछलियाँ पकड़ेगा और शाम को दावत मनाएगा। मेरे मन में भी एक आइडिया आया है छोटे, क्यों ना हम भी चलकर फिशिंग करें? ये तो मस्त आइडिया है रे बॉब, मछली खाने में मजा आएगा रे बाबा। इधर उधर घूमने से अच्छा है छोटे कि हम फिशिंग करके अपने स्वादिष्ट नाश्ते का इंतजाम करें। मोंटी को फिशिंग के लिए जाता देख फिशिंग करने चले बॉब और पप्पी। मछली पकड़ना इतना नहीं होता आसान, इसमें काफी समय और कठिन परिश्रम है लगती। थोड़ी ही देर में फिशिंग से उबने लगेगा बॉब, मन बहलाने के लिए इधर उधर घूमने लगेगा बॉब। बैठकर मछली पकड़ने में थकान नहीं होगी छोटे। जल्दी जल्दी मछली को कांटे में फंसा रहे बॉब। कब से नदी में कांटा डाला हुआ हूँ छोटे, मछली फंसी नहीं रही, हाथ भी दर्द करने लगा है। हाँ अब ठीक है। अब जरा आसपास थोड़ा घूम लेता हूँ, मन बहल जाएगा। मैं कितनी बार यहाँ आ चुका हूँ पर एक भी बार पूरे जगह का निरीक्षण नहीं किया। कांटे में मछली तो फंसी ही नहीं रहा बाबा, ये बॉब इसे छोड़कर कहाँ चला जा रहा है रे। अरे बॉब रुक जा बाबा, मैं भी आया रे। मछली पकड़ना छोड़कर कहाँ चल दिया बाबा? अरे बॉब सुन ना, बॉब मछली पकड़ने का क्या हुआ रे? मछली ही तो माँ, गिर गया मैं, ठेस लग गई मुझे। है ये क्या है छोटे, ये तो कोई कीमती पत्थर लगता है। ये तो चमक रहा है रे। ये काफी मूल्यवान लगता है छोटे, और काफी बड़ा भी है। ये तो अंडे जैसा लग रहा है रे बॉब। अंडे इतने बड़े नहीं होते छोटे, अनमोल रत्न हाथ लगा है। अगर ये सच में कोई कीमती पत्थर निकला तो हम माला माल हो जाएंगे रे बॉब। मछली पकड़ते पकड़ते तूने बेशकीमती खजाना खोज लिया बाबा। हम आए थे फिशिंग करने और माला माल होकर जा रहे हैं, मुझे थोड़ी थकान महसूस होने लगी छोटे। हाँ हाँ ठीक है रे बॉब, चल उस पत्थर के पास जाकर आराम कर लेते हैं बाबा। तू यहीं पत्थर पर बैठ जा रहे। हाँ आराम कर बाबा, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ रे। इस पत्थर का मार्केट में काफी दाम मिलेगा छोटे। मार्केट में? हाँ हाँ सही कहा रे बॉब। इसे इस तरह से बकेट में रखना ठीक नहीं, इसे मैं अपने दोनों हाथों में संभाल कर चलूंगा। इतना चमकदार पत्थर मैंने आज तक नहीं देखा, ये जरूर हीरा है हीरा। बॉब इन्हें छोड़कर कहाँ चल दिया बाबा? अरे बॉब बॉब वो काफी दूर निकल गया रे, मुझे जल्दी से उसके पास जाकर याद दिलाना होगा बाबा। अरे बॉब। अरे मेरे हीरे, मैं तुझे अपने से कभी जुदा नहीं होने दूंगा, सीने से लगा कर रखूंगा। बॉब को न जाने क्या हो गया रे, सामान वहीं पर छोड़ दिया बाबा। मम्मी को क्या जवाब देंगे रे? इतना मूल्यवान हीरा शायद ही किसी ने देखा होगा, इसे इस तरह से नहीं ले जाना चाहिए। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं कोई नहीं है, कपड़े के अंदर छिपा लेता हूँ। हाँ अब ठीक है, ये कपड़े के अंदर बिल्कुल सेफ है। ये क्या किया रे बॉब, तुम्हारा पेट तो काफी बड़ा दिखने लगा है बाबा, लगता है सच में ये पत्थर काफी कीमती है बाबा, तभी तो बॉब इसे इतना छिपा कर ले जा रहा है रे। हम शहर के काफी नजदीक आ गए छोटे, जल्दी से शहर पहुंचकर सीधे जौहरी के पास जाएंगे और इस हीरे को बेचकर ढेर सारे रुपए अपने घर ले जाएंगे। हम इस शहर के सबसे अमीर शहरी। अरे ये क्या हलचल हो रही है मेरे कपड़े के भीतर? अरे यार चलते चलते रुक क्यों गया रे बॉब, क्या हुआ रे? ये क्या? अरे यार वो कीमती पत्थर नहीं, एक अंडा ही था छोटे, अंडे से चूजा बाहर निकल आया है। अरे ऊपर कहाँ चढ़ा जा रहा है? मैंने बोला था ना रे, पत्थर नहीं अंडा है बाबा। अब ये चूजा मेरे किस काम का? जा चूजे यहाँ से चला जा। लग रहा है चूजे को कि उसका जन्मदाता है बॉब। कितना भी चालो बॉब और पप्पी, तुम दोनों के साथ ही रहेगा वो। अब चूजे से मोहित होकर पप्पी बोला, घर लेकर चलते हैं इसे। पप्पी की बातें सुन बोला बॉब, नहीं नहीं देख लेगी मम्मी तो मारेगी डंडे से। पक्षी को छोड़ने का तनिक भी मन नहीं कर रहा है रे बॉब। समझ नहीं रहा है छोटे, उसे ले जाते तो बड़ी आफत में पड़ जाते। अब क्या हुआ रे बॉब? ये तो हमारे पीछे आ रहा है छोटे, चल भाग। तू तो सही बोल रहा था रे बॉब, ये पक्षी तो बड़ी आफत बन गया है बाबा।
भागता रह छोटे, जब तक कि हम पक्षी से काफी दूर अब रुक जा रहे बॉब। अब कौन है? अरे यार ये जाता क्यों नहीं, चल जा यहाँ से। अरे बॉब ये कितना क्यूट लग रहा है बाबा, इसे साथ लेकर चलते हैं रे। ओफो अच्छा ठीक है, चलो इसे भी साथ लेकर चलते हैं। बड़ी मुसीबत गले पड़ गई। ऐसा पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा है बाबा, ये कोई दुर्लभ प्रजाति का मालूम पड़ता है रे। हाँ हाँ अब से हम ही तेरे मम्मी डैडी हैं रे, तू चिंता मत कर कुछ नहीं होगा बाबा। अगर किसी की नज़र इस पक्षी पर पड़ गई तो आप हटा जाएगी। पता नहीं कहाँ रह गए सब, ये मोंकी इधर ही चला आ रहा है। अभी पूछता हूँ, सुनो बॉब तुम अपने डॉगी के साथ कहाँ से चले आ रहे हो? कहीं से भी तो नहीं। चलो चलते हैं बैट बॉल खेलने, बड़ा मजा आएगा। तुम जाओ, मैं अभी थोड़ा घर से कुछ काम निपटा कर आ जाऊँगा। हाँ हाँ तू जा मोटे, हम जल्द ही मैदान में आ जाएंगे रे। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, तुम जल्दी से काम निपटा कर आ जाना। बच गया मैं, मोटे अगर इसे देख लेता तो गजब हो जाता छोटे। हाँ हाँ तूने ठीक कहा रे बॉब, इसे पहले कि कोई इसे देख ले घर चल छोटे। चाहे तुम जितना इसे लोगों से छुपा लो बॉब और पप्पी, तुम दोनों के लिए बड़ी आफत बन जाएगा यह पक्षी। इस पक्षी से तुम दोनों इतना हो जाओगे परेशान, इससे पीछा छुड़ाने में खतरे में पड़ जाएंगे तुम दोनों के प्राण। इस पक्षी को भी भूख लगी होगी, अरे बॉब हमें भी कुछ खाने को दे दे बाबा। तुझे भी नाश्ता चाहिए क्या छोटे? हाँ हाँ दे दे रे बाबा। अच्छा ठीक है ये ले चिप्स खा। हाँ मिल गया रे, अभी चिप्स निकालता हूँ रे। काफी थक गया हूँ बैठ कर खाता हूँ। अरे पक्षी इस तरह से खाते हैं बाबा, चल तू भी खा। अरे ये क्या गजब हो गया बाबा, नाश्ता करते करते ही सारी थकान दूर हो गई। ये तो तुरंत बड़ा हो गया बाबा। अरे बॉब अब क्या हुआ छोटे? पक्षी को देख रहे? पक्षी को देख रहे, यहाँ है तो क्या हुआ छोटे? अब मैं कैसे समझाऊं उसे? ये काफी भूखा है, तुझे और चाहिए पक्षी, ये लेगा, ये ले ढेर सारे, खाने लगा मैं भी खाता हूँ। और चाहिए क्या? अरे ये क्या? हाँ हाँ मैंने देखा रे बॉब, वही तो तुझे कब से बता रहा था बाबा। ये ले पक्षी एक और नाश्ता जाकर खा। मैं खा लेता हूँ। ये पक्षी काफी भूखा है, इसे और खिलाना पड़ेगा, ये ले सब खा जा। ये क्या किया रे बॉब? तू शांत रह छोटे, बस देखता जा। ठीक है रे। ये ऐसा वैसा नहीं है पक्षी, चाहे जितना भी खिलाओ इसे कम ही है पड़ती, तुम्हारा सारा भोजन खा जाएगा फिर भी इसका पेट नहीं भर पाएगा। अरे छोटे ये तो बड़ी मुसीबत है। हाँ हाँ रे बॉब, माँ के आने का समय भी हो रहा है, क्या करूँ इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुक जा हरामखोर, इतनी बड़ी मुसीबत गले पड़ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं इसका, जल्दी से सोचना पड़ेगा। हाँ मिल गया उपाय, पढ़ाई करता रहूँगा तो माँ मुझसे कुछ पूछताछ नहीं करेंगी। ये पक्षी तो बैग में भी उधम मचा रहा है बाबा, कहीं बैग को फाड़ कर न बाहर आ जाए भगवान। इसे देखता रहूँगा तो मेरा भी दिल घबराता रहेगा रे। यहाँ से चल पप्पी, अब जो होना होगा वो होकर रहेगा बाबा, मम्मी भी आती होगी बाबा, मुझे बिस्तर पर देखेगी तो इधर ही आ जाएगी रे। एक फाइल घर पे ही मुझसे छूट गई है, वो पढ़ाई कर रहा है, एक बार देख लूंगी तो चैन आएगा मुझे। मम्मी सीधे रूम में चली गई बाबा। क्या समाचार है छोटे? अब तक सब ठीक ठाक है रे बॉब। माँ आ गई। मैं भी अब काफी भूलने लगी हूँ, बॉब का कमरा। मामा जरा सुनिए। क्या बात है बेटा? जोर की भूख लगी है मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है अभी देती हूँ, ये लड़का भी ना। बाल बाल बच गए छोटे। हाँ हाँ तूने ठीक कहा रे बॉब। माँ अपने रूम में अपने ऑफिस का काम कर रही है छोटे, हम चुपके से निकल जाते हैं, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, इसे किसी ने देख लिया तो बेमौत मारा जाएगा, चारों ओर से नाटक छाया है छोटे। पक्षी को निकाल दे रे बॉब और बैग में सारा खाने का सामान रख ले बाबा। ये क्या बोलता है रे माँ? अब मैं तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए इसे इसके घर तक पहुँचा कर दम लूँगा। बॉब तो आगे चला गया बाबा, तू भी पीछे पीछे आ बाबा, ये नाश्ते की गंध उसे भटकने नहीं देगी। हे ये क्या? अरे बाबा रे, ले एक और दाना और मेरे पीछे पीछे आता जा। हाँ
एक और नाश्ता, चल छोटे रेस लगाते हैं बाबा, जो जीतेगा वो उसका होगा रे। ये पक्षी तो काफी तेज दौड़ता है बाबा, मुझे उन्हें देखने की जरूरत नहीं। अंतिम भोजन गिरा कर आगे चला गया बॉब। बैग में और कुछ खाने को नहीं बचा है, अब सारा भोजन अकेले ही खा गया यह पक्षी। पूरी रात भूखे प्यासे चलते आ रहे बॉब और पप्पी। मुझे जल्दी से जल्दी पक्षी को उसके घर तक पहुंचाना होगा, मुझे इसी रास्ते आगे की ओर बढ़ते जाना होगा, अब मंजिल दूर नहीं है। अरे ये क्या, यहाँ तो खाई है। क्या हुआ बाबा? हमें उस पार जाना है छोटे। क्या? अब क्या करे छोटे? अरे ये क्या, पक्षी ने हमें अपने पंजे से उठा लिया। पक्षी काफी बड़ा हो गया है। हाँ ठीक है, तूने अच्छा काम किया है, चल आगे चले। ये पक्षी तो अब हमारी मदद भी करने लगा है बाबा। तूने ठीक कहा छोटे, ये पक्षी तो काफी बड़ा हो गया है रे बॉब, इसे जल्दी से इसके घर पहुंचा दे रे बाबा। पहुंचा ही तो रहा हूँ छोटे, इस पक्षी का घर यही कहीं आसपास होना चाहिए। अब ये पक्षी अजीब तरह की आवाज क्यों निकाल रहा है छोटे, तुझे क्या हुआ पक्षी? इधर से ही आवाज आ रही थी। अरे ये क्या, ये तो मेरा बच्चा लगा है। ना जाने क्या हो जाता है इस पक्षी को। हाँ रे बॉब। अरे ये क्या, बच्चे तुम मिल गए मुझे। भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भाग छोटे यहाँ से, नहीं तो इस पक्षी को गुस्सा आ गया, हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। हाँ, हाँ, छोटे। हाँ हाँ सही कहा रे बॉब, चल घर चले छोटे, उस पक्षी को उसकी माँ मिल गई और अब हम अपनी माँ से डांट खाएंगे। मम्मी तो काफी चिंता कर रही होगी रे बॉब।